आज हर पार्टी के नुमाइंदे हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, तो ये शुद्ध पॉलिटिकल डिस्कशन है। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। मेरे साथ जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, मुस्कुरा रही हैं, बीएसपी के 6 विधायक अखिलेश यादव से मिलके गए हैं। माधव आनंद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता जेडीयू के हैं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहन गुप्ता जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनके आईटी सेल के चीफ भी हैं, हेड भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आलोक जी, ऐसा लग रहा है कि साल 2021 जो है वो चुनावी दल बदल का साल है। आप देखिए, देश का कोई भी भूखंड आप देख लीजिए, हर जगह से कोई ना कोई खबर आ जाती है और सब दल कहते हैं हम तो सुरक्षित हैं, दूसरे को देखिए। देखिए अमित जी, जैसे कहते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए जी। देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरह से चुनाव अभियान चलाया, जब हम कहते ना कौन सा पेड़ लगाया था उसके बाद फल तो उसी का मिलेगा, आप अमरूद लगाएंगे तो अमरूद मिलेगा, बबूल लगाएंगे बबूल लगाएंगे, तो इसलिए जिस तरह की स्थितियां हैं, इको आ रही है जरा ठीक करा दीजिएगा, जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लगता है कि बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है और उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होना है। मायावती जी और ये दोनों दलित, देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि दलितों की जो पार्टी है वो दलितों का हित नहीं कर पा रही, उनके नेता नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके लोग छोड़ रहे, या तो उनके परिवार के लोग हैं, वो झगड़ा तो पहले उत्तर प्रदेश में भी था, यादव फैमिली में रहा पिछले चुनाव के समय में, इस बार जो है बिहार में दिखाई दे रहा है, तो ये बात सही है। बंगाल में तो चलिए वो सत्ता में ममता जी आई, जो उनके साथ था या जिन पर कुछ भी था उनको लगा उन्हीं की शरण में चले जाना चाहिए, लेकिन यहां जो स्थितियां हैं जी, वो जो आपने कहा राजस्थान में आज भी सचिन पायलट वो बहुत शरीफ हैं और बहुत काबिल हैं। देखिए उनको तो अध्यक्ष पद का भी ऑफर कर सकते हैं राहुल गांधी, सभा सचिव कहेंगे तो क्यों बनेंगे वो, राहुल गांधी जब नहीं आए उससे पहले से सचिन पायलट और उनका परिवार। लेकिन का आपने बिहार की स्थिति की बात करी, बिहार में तो कांग्रेस, खबर आ रही है कि कांग्रेस के भी 8-10 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है, क्योंकि सिर्फ वहां पर एलजेपी का पटाक्षेप नहीं हुआ, वहां कांग्रेस का भी पटाक्षेप हो रहा है एक तरह से। बिल्कुल, बिहार में तो कांग्रेस है, देखिए वहां पे, वहां बिहार या यूपी में अध्यक्ष का नाम मालूम है आपको? मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि जो आप पत्रकारिता में होते हुए इतने वर्षों से, हम लोगों को कौन अध्यक्ष बन गया जिनको वहां के लोग भी नहीं पहचाने, इसी स्थिति में लोग, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही बदतर है, वो इन छोटी पार्टियों से बदतर स्थिति में इस समय। दुर्भाग्य की बात है कि ये एक बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल जी उनको सबको संभाल नहीं पा रहे हैं और एक निराशा का माहौल होने से नीतीश कुमार को वहां दिखे। नीतीश के खिलाफ पासवान ने, चिराग पासवान ने बहुत इतना अभियान चलाया था, मैं ये नहीं मानता कि नीतीश कुमार को दल बदल की जरूरत है, उनके परिवार में भी उनसे नाराजगी, परिवार में उनके नाराजगी हुई है ये तो। लेकिन जी मेरे को, मैं रुक करता हूँ माधव आनंद का। माधव आनंद, आपने तो हाल ही में अपनी पार्टी को बतलाया, आप इसका सबसे मतलब ताजा उदाहरण है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको नई पार्टी में आकर? देखिए, हम लोग पहले भी नीतीश जी के साथ थे, आपको पता होगा, और फिर किसी कारणवश हम लोग अलग हुए, अलग पार्टी बनाया, फिर एनडीए के साथ रहे, फिर महागठबंधन में भी गए और पुनः अब हम लोगों ने पार्टी। नहीं, मैं आपकी पार्टी की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ माधव भाई। मेरी जहां तक मेरी, मैं तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस विचारधारा के पोषक आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उस विचारधारा में मैं पूरी तरह आस्था व्यक्त करता हूँ और मेरे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब आस्था व्यक्त करते हैं। जहां तक आदरणीय चिराग पासवान जी की बात है, तो स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी इमेच्योर पॉलिटिशियन है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह गठबंधन धर्म के प्रतिकूल उन्होंने आचरण दिखाया, तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही था। गठबंधन में रह के एक पार्टी के प्रति सहानुभूति और दूसरे पार्टी के, नहीं, खबर ये है, कहा ये जा रहा है कि इस पूरे गेम प्लान के पीछे बीजेपी और जेडीयू है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू क्यों पड़ेगी, आप खुद अनुमान लगाइए। हाँ, निश्चित, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, उनके चाहने वाले लोगों की संख्या में। वो अलग विषय है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पे कभी और चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज तो है सियासी दल बदल की हम बात कर रहे हैं। हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, जिन लोगों को हम लोग के साथ आना है हम लोग हमेशा अपने दरवाजा खोल के रखते हैं, स्वागत करते हैं। जहां तक तोड़ फोड़ की बात है, तोड़ फोड़ हम लोग विश्वास नहीं रखते, आज तक ना हम लोगों ने इस तरह का काम किया है ना भविष्य में करेंगे, लेकिन जो लोग भी पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी में आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से। देखिए, अब आप इसको पार्टी में इनवाइट करने का मंच ना समझे, चर्चा की हम बात कर रहे हैं, मैं तो आपका अनुभव पूछ रहा था कि आपका अनुभव कैसा रहा, आपका, आपको अब अनुभव सुखद लग रहा है। मेरे साथ रोहन गुप्ता भी है, गौरव भाटिया भी है, जूही सिंह भी है, दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक
समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मैं आपका रुख करता हूं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, अब महत्वपूर्ण क्या है इस समय, महत्वपूर्ण देश की सियासत में इस समय महत्वपूर्ण है कि कोविड से हम लड़ाई लड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को बचाने की नहीं तो दूसरे को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि आपके पास भी एक नया एग्जाम्पल है मुकुल रॉय का, जो कल तक आपके साथ थे, आज दोबारा ममता दीदी के साथ हो गए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? अमित जी, देखिए, आपने बिल्कुल व्यापक सवाल किया और मैं पहले उत्तर दे दूं कि इन पार्टियों में क्या परेशानी है और फिर मुकुल रॉय जी पे भी उत्तर दूंगा। एक पार्टी की पहचान उसकी विचारधारा, उसका नेतृत्व होता है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी स्पष्ट है और हमारा नेतृत्व आज देश में नहीं विश्व में सबसे मजबूत है, श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी टाइटैनिक जहाज की तरह है, डूबना तो है ही, और डूबना क्यों है कि अगर राहुल गांधी, गांधी परिवार के अलावा कोई भी नेता चमकेगा तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, आप राजस्थान जाइए अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, और सपा पे आएंगे तो क्या है, एक परिवार है, जब से पार्टी बनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार का बना है। और मुकुल रॉय जी पे मैं एक बात कह दूं, देखिए फर्क यहां पे भी आता है सामने, जब जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के जाते हैं तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई कहती है कि ये कूड़ा है, कूड़ेदान में चले गए, लेकिन जब मुकुल रॉय गए तो ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने कहा कोई बात नहीं। तो आप खुश हैं मुकुल रॉय के जाने से? आप गदगद हैं मुकुल रॉय के जाने से गौरव जी? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाए तो क्यों गदगद होएगा कोई, लेकिन कई बार नेता होते हैं वो अपनी राजनीति साधते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मजबूत नेतृत्व है कि हमें खबर तो ये बंगाल के अंदर आपके जो वहां के वरिष्ठ नेता है शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी से हायर्ड है, वहां से आपने लिया उनको, वो अपने विधायक बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15-20 विधायक आज गवर्नर के सामने भी नहीं पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं तो कल ही की बात है, बड़ी दुखद एक खबर आई कि 60 साल की एक महिला है, उसके पोते के सामने उसका एक बलात्कार करते हैं कई लोग, और ममता बनर्जी एक महिला है लेकिन महिला अस्मिता पे कुछ बोली नहीं। 2 मई के बाद जो हिंसा हुई ना अमीश जी, हमने देखा ममता बनर्जी चुप रही। गलत है, देखिए उस हिंसा पे भी हमने कार्यक्रम करे, लेकिन अभी मेरे सवाल है, देखिए अब